छोरा हरियाणे का सबेरे नहा के जमा चमक लिया है भाई, आया आन गेले धक्का हो रहा है सबेरे, उठ तो ले है बालक आगे बनैन्यू है, बूंदा सा मुँह लेके टाटा बाय बाय कर दिया पापा को, और पापा वहाँ तैयार गेट खोल के अपना रूट अपन है अपना रास्ता नाप लिया है, सुबह अपने ड्यूटी के लिए रेडी, और अभी अपनी गाड़ी जो है सुपेंद्र सर ऑन द रोड खड़े मिलेंगे, ये देखो टाटा नैनो बिल्कुल तैयार खड़ी है, खिड़की खोल के बैग पिछली सीट पे हमने पैक कर लिया है, और अगली सीट पे अपा जम गए हाँ, सीट पर चिपक गए हाँ, बैठते ही अपा सबसे पहले अपना सीट बेल्ट लगावा हाँ, और अपना जो रास्ता है रास्ते पर चढ़ाई शुरू, ग्रीन बत्ती रेड लाइट के बाद ग्रीन लाइट ने अपन ने स्वागत किया है, रास्ते में किसानों ने मोर्चा लगा रखा पक्का मोर्चा, और उसके बाद सीधा हमने गाड़ी का पंजा दाब दिया है प्रजात चौक से होते हुए लेफ्ट राइट, और सीधा हम नागुरी गेट के भी दाएं बाएं से होते हुए, और फिर गुरुद्वारा जो आ गया हिसार में है इसके पास ब्रेकर पे स्लो और फिर स्पीड सीधा बस स्टैंड, गुरुद्वारे को हमने पार करके बस स्टैंड, हरियाणा राज्य परिवहन निगम हिसार आपका हार्दिक स्वागत करता है, कोई नहीं ओके टाटा बाय बाय, आज स्वागत की जरूरत नहीं है भाई, आज आप अपनी गाड़ी में हैं, और गाड़ी से सीधा रूट ले लिया है सेक्टर 14 से 14 से आप अपने हेडमास्टर जोगीराम सर को लेते हुए जो हरियाणा अपना हिसार का सिविल हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल सेक्टर 14 पे गेट पे जोगीराम सर अपने हेडमास्टर बिल्कुल तैयार खड़े हैं, उनको बिठा के हम सीधा सिरसा रोड के ऊपर हमने गाड़ी का पंजा दाब दिया है, अर्ली इन द मॉर्निंग का जो मौसम है बड़ा ही सुहावना हो रहा है, अब 3 दिन की बड़ी वाली बारिश बता रखी है भाई, तो बारिश आज अपना वेलकम करेगी रास्ते में कहीं ना कहीं से, यह पहला अपना सबसे पहला लांदड़ी टोल प्लाजा टोल बैरियर आ गया भाई, आ रपिए दे भी ना तो ये जान कौन दे, रपिए भी बड़ा तकनीक से फास्टैग से ऐसे काटे है आदमी ने, बेरा तो पट्टे है लेकिन पटता रहो कोई नहीं, बत्ती रेड टू ग्रीन हो गई है और सीधा हमने खींच दी है गाड़ी जल्दी से अपने स्कूल अपने ड्यूटी पहुंचने के लिए, रास्ते में जो है बहुत ही सुहावना बहुत ही ज़बरदस्त अगरवा में पहुंच लिया है, ये अगरवाड़ा मंदिर है हनुमान जी बालाजी के दर्शन कर लो भाई, सवेरे सवेरे जय बाबा की जय बाबी बाबा का नारा लगा के अपन ने गाड़ी की स्पीड फुल टॉप गियर में गाड़ी से अपनी चल रही है, और लेकिन टॉप गियर में जी चलेगी जी गाड़ी में तेल पूरा होगा, तेल पानी डलवाने के लिए हमने भादू फिलिंग स्टेशन अपने बड़ोपड़ पे है, गाड़ी में चाहिए अपन ने सीएनजी, तो सीएनजी के लिए अपा रुक लिए हाँ, गाड़ी में सीएनजी का टैंक अपा फुल करवा लिया हाँ, और उसके बाद ये देखो छिपकली कितना ही बिरयानी गाड़ी के ऊपर कूद दी फिर थी, मैंने चलो भाजले भैया तौड़ी सी क्योंकि हमने जाना है स्कूल, और ये देखो मोबाइल घुमा के मैंने सीन दिखा दिया है, बडोपल से निकल के दांगड़ पार करके ना ये अपना फतेहबाद का रूट है वो साइड में रह जाए है, फतेहबाद से आप बाईपास निकल लें सीधा पुड़े पुल भाई टोल दिया है तो रोड बन रहे है गजब के, गाड़ी पारम पार टपम टाप जा है कोई रोकनिया नहीं, सुबह सुबह रोड बिल्कुल खाली और आप तैयार रोड पर चल के भी बड़ा मज़ा आ जाए है, फिर उसके बाद फतेहबाद से रतिया रोड के ऊपर सबसे पहला याड़की गांव से आप बड़े सोने सुहांदे एंडी रास्ते तो जांडाला सुत्तर से भाई फिर फुला गांव आ गया है, फुला गांव को हम पार करते हुए ये फुला गांव देख लो, फूल गांव कह इसने वैसे तो, ये फूल गांव के नज़ारे भाई गांव के सुबह सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग के, रोड खाली है सुबह सुबह मज़ा आ जाए, रोड खाली का कोई टेंशन नहीं है, पुल गांव को अपन ने पुला को क्रॉस कर लिया है, उसके बाद आओगा अपना गांव रत्ताखेड़ा, ये सुबह सुबह रास्तों के नज़ारे बड़े ही शानदार सुंदर नज़ारे दिल खुश हो जाए, सुबह सुबह ग्रीनरी और अर्ली इन द मॉर्निंग की ताज़ी हवा के साथ, अपने स्कूल का ये रास्ता है डेली का हिसार से 100 किलोमीटर का रास्ता इतने सुंदर तरीके से तय कर लें आप, मज़ा आ जाए, रास्तों में हर तरीके का सीनरी जो प्राकृतिक नज़ारे हुए देखते चला हाँ, और यो गांव आ गया है रत्ताखेड़ा, रतिया ब्लॉक का रत्ताखेड़ा गांव भी हमने पार कर लिया है, ये अपने रतिया से सरदुलगढ़ का रोड है, इसको पार करते हुए अपा ये रास्ता सीधा जागा लाली गांव ने, और अब हम मुड़ांगे मुड़ के जो यो रास्ता है यो अपना गाँव जल्लोपुर में जड़ा अपनी पोस्टिंग है ड्यूटी है वहाँ का ये रूट है, देखो मतलब कहने के नज़ारे सुबह सुबह के
रास्ते जो बहुत ही आसपास खेतों की हरियाली, धान की फसल लग रही है, बारिश का मौसम हो रहा है। ये अपने जलोपुर में गुरुद्वारे का निर्माण कार्य चल रहा है, जलोपुर गांव के दर्शन कर लो भाई। आड़े 6-7 साल हो गए सेवाएं देते हुए गांव के अंदर, गांव का बहुत ही बढ़िया आनंदमय वातावरण और बहुत अच्छा बढ़िया भाईचारा, बहुत अच्छे यहाँ के लोग। और ये अपना स्कूल के साथी चल रहे हैं, पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी, कोई पाए खींच रहा है, कोई गाड़ी खींच रहा है। और अब हम स्कूल में समय पे पहुँच गए हैं भाई। अपना स्कूल है पूरा बढ़िया अच्छा एनवायरनमेंट के साथ, खुला वातावरण, पार्क, पेड़ पौधे, ग्रीनरी ज़बरदस्त, अपना स्मार्ट स्कूल वेलकम। और ये अपना स्मार्ट बोर्ड लग रहा है स्कूल में, क्लास में, सब में। उसके बाद अपने बच्चों का वेलकम सुन लो। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। इसके बाद अपना स्मार्ट बोर्ड अपन ने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद ये रिमोट से इसको स्मार्ट बोर्ड को ऑन करने के बाद अपन ओके छोटी मोटी जो एक्टिविटी है क्लास बच्चों को पढ़ाने के लिए, हाउ द जोस, वो हमने शुरू कर दिया। ओके, वेरी गुड, थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। अब इसके बाद बच्चों की अटेंडेंस रजिस्टर खोल के बच्चों की हाजिरी ले लेते हैं। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 करते हुए बच्चे यस सर, जय हिंद सर, प्रेजेंट सर के नारे के साथ और बच्चे सारे रेडी। सुबह सुबह पावरफुल, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई का काम हो गया। अभी ये हो गया, अब समय हो गया दोपहर का। दोपहर में जुटा हल लंच के सारे, मास्टर अपना अपना टिफिन खोल दे है, राजकुमार भाई अपने सुपेंद्र मास्टर जी, और अपना टिफिन खोल के जो जो कटिया तारे है खाने का मज़ा आ जाए। उसके बाद बच्चों का छुट्टी के समय तक का होमवर्क बच्चों को बढ़िया पढ़ा के दिल खुश हो जाता है। और आज बच्चों को मैंने दोबारा राइटिंग सुंदर बनाने के लिए कर्सिव राइटिंग बच्चों को पहले सिखा रखी है, एक बार और बता दी भाई, कोई बच्चा भूल रहा है छुट्टियों में तो उसको रिवाइज हो गया, ताकि बच्चों की राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। सुंदर राइटिंग होती है तभी बच्चों का लिखने का तरीका, कॉपी भी सुंदर आएगी और काम भी बढ़िया बनेगा। उसके बाद ये भाई छोटी छोटी मशीनें ले रखी है बच्चों को सवाल देने के लिए, ये बड़ी कलाकारी है, बढ़िया अच्छी वाली है। इनको घुमाते ही बच्चों के सवाल जमा घटा के तैयार हो जाए और बच्चे इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करें है, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए बच्चों की, बच्चे जमा घटा में कभी मार नहीं खाओगे। तो ये प्रैक्टिस कराने के लिए एक्स्ट्रा जो होमवर्क है वो हम इन मशीनों से बच्चों को देते हैं। उसके बाद छुट्टी का समय हो जाए, बच्चों को कहो आप छुट्टी कर दें, तो सारे राजी हैं जो सारे निकले, ठीक है, यस सर, हाउ द जोस, देख बच्चों का जोस देखते ही बनता है, चेहरों पे सब खुशी है। और उसके बाद छुट्टी का समय हो जाता है, सारे बच्चे टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर, ओके बाय बाय सर। बच्चों के चेहरों की खुशी देख के दिल खुश हो जाता है, दिल भी बन जाता है। और नन्हे नन्हे छोटे छोटे भगवान का रूप होते हैं बच्चे भी। उसके बाद आपा भी अपनी गाड़ी की चाबी उठा लेते हैं, राजकुमार सर अपनी गाड़ी लेके निकल लिया है भाई, आपा अपनी गाड़ी का हैंडल मार लिया हाँ, गाड़ी अनलॉक करी, पायलट सीट पर गाड़ी लगा के चाबी और गाड़ी कर ली है ऑन। अब गाड़ी करते हैं बैक गियर लगा के और लेफ्ट राइट दोनों मिरर में देख के ध्यान था भाई, गाड़ी घुमा रहे हैं बैक करके और सीधा रूट बना लिया है। साथ में अपने एचटी सुपेंद्र सर को बैठा के और अपने स्कूल से देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई है, अच्छा मौसम हो गया। सुपेंद्र सर ने भी लैपटॉप गाड़ी के अंदर पैक कर दिया है, बैग के अंदर डाल के, और अपा चल दिए हैं स्कूल से वापसी, घर से जहाँ से आए थे वापस वही अपना ठिकाना, ठोर ठिकाना। अपने घर पे पहुँचने के बाद जो आनंद आता है बस पूछो ही मत। रास्ते में जो है वो आज बारिश आ रही है, बारिश जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई भाई, बारिश से इतना सुहावना मौसम हो रहा है पूरा शानदार। नहाने का भी मन कर रहा था लेकिन अभी तो गाड़ी में है भाई रास्ते में, इसलिए नहाने की व्यवस्था तो फिर देखेंगे, अभी तो स्टार्ट हुई है बारिश जो मानसून की। जिस दिन मौका मिलेगा स्कूल में होंगे तो एक जोड़ी कपड़े मैंने एक्स्ट्रा रख रखे हैं नहाने के लिए स्पेशल। वापसी के वही रूट वही गांव जांडाल सोतर है भाइयों, यहाँ से होते हुए
और फतेहाबाद, फतेहाबाद में सर को थोड़ा काम था। तेज अच्छी वाली बारिश होने लग रही है। बारिश का आनंद लेते हुए गाड़ी बिल्कुल स्पीड के लिमिट के हिसाब से हम बारिश के पानी को क्रॉस करते हुए आगे निकल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों में लोग अपना काम करके, जैसे आपा भी अपना काम करके वापस चल रहे अपने रूट पे, वैसे ही लोग अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई तेज बारिश, ये MM कॉलेज के पास तो निकल के ओहो पानी रहे, गाड़ी सारे को टपी है और इतना पानी बगा दिया रोड के ऊपर, पानी इतना खड़ा था एक बर्तनी हुआ किया पड़ा भी रहनी। भाई फिर अपना ये अपने फतेहाबाद से जो सिरसा वाला रूट है उस पर हम चढ़ लिए हैं। यहाँ से होते हुए सीधा सुपेंद्र मास्टर जी को थोड़ा काम था फतेहाबाद, तो वहाँ रुके, वहाँ भी काफ़ी समय लग गया। गुलाबी नगरी का पोस्टर पाटा पड़ा है, तो ऐसा ही काम हो रहा है। उसके बाद देखो भी धन्यवाद नगर परिषद फतेहाबाद ने कर दिया अपना। अब फतेहाबाद से हिसार का रूट आपने ले लिया है। ये फतेहाबाद का नया बस स्टैंड जो बना है अभी, काफ़ी बाहर निकल के फतेहाबाद से। अब फतेहाबाद से रूट बन गया अपना, ये फतेहाबाद बाईपास पे धांगड़वाला जो पुल है इसके नीचे से होते हुए हिसार की तरफ गाड़ी हमने घुमा दी है। भाई मीटर में देखा तो CNG सवेरे तो फुल भरवाई थी, लेकिन कई रूट बन गए थे फतेहाबाद के भी, रतिया के भी, कई लोकल काम थे दिन में सर भी गए थे, तो अब CNG लेनी ज़रूरी है। तो वापस हमने इंडिकेटर दे दिया है पेट्रोल पंप की तरफ का, तो CNG बनवाने के लिए थोड़ा यू टर्न लेके यहाँ आके देखा तो आड़ अभी बारिश का पानी फुल ठाडा भरा पड़ा था। मोटर लगा रखी थी इसका मैं को, हमने सीधा पार गाड़ी निकाल दी है और CNG स्टेशन पे हमने गाड़ी लगा दी है CNG बनवाने के लिए। और CNG फुल प्रेशर के साथ यहाँ बादू फिलिंग स्टेशन पे सेवाएं भाइयों की बहुत बढ़िया, और CNG पंप पर रुपये दे के हम वापस अपना रूट वही पानी वाला, बारिश की वजह से भरा पड़ा, तेज़ बारिश हुई आज, अपना रूट अपने वापस ले लिया है। ये अमरीक डब्बा बोटा उस नाक में बने रह जो, और वापसी का रूट अगरवा, अगरवा धाम भी कह दिया इसने, अगरवा में मंदिर बन रहा है, बहुत टॉप का मंदिर है। यहाँ बजरंग बली की बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा लगी हुई है, देखो आपको बजरंग बली के दर्शन करवा देते हैं। ये अपने बजरंग बली बहुत ही बड़ी विशालकाय मूर्ति है यहाँ पे अगरवा धाम मंदिर के अंदर, हनुमान जी का। ये अपने अगरवा मंदिर का मेन गेट था, अगरवा मंदिर को, अगरवा को हम क्रॉस करते हुए वापस का जो अपना रूट है, तो ये यहाँ से ये सिरसा दिल्ली वाले रूट पे हम हाईवे पे हम चल रहे हैं। लांद्री वाला टोल प्लाजा फिर आ गया, कोई दिक्कत नहीं अपने कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने तो महीने वाला पास बनवा रखा है। भाई गाड़ी आराम से धड़ाके से आवे है और जावे है, मौज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं वापसी के रूट में अपने हिसार, हिसार का ये है अपना बाईपास, और ये हमारा हिसार नगर निगम स्वागत करता है। और ये हाउसिंग बोर्ड के पास से होते हुए हम सीधा अपने घर की तरफ लगन कर रहे हैं। बस स्टैंड के ऊपर जाम लग रहा था गाड़ियों का, ज़्यादा कोई जाम वाली समस्या है नहीं हिसार में, हल्का फुल्का तो इस टाइम बारिश हो रही तो उस समय थोड़ा व्यवस्था बन जाती है। और भाई फिर यो अपा नागरी गेट सवेरे जिस रोड से, जिस रूट से गए थे वही रूट अपना वापसी का, नागरी गेट आ गया। अब नागरी गेट पर फुहारों का दड़ाटा उठ रहा है, भाई फुल पानी बरसने लग रहा है नागरी गेट अपना। ये लाला लाजपत राय चौक भी इसने कह दिया जाए, क्योंकि लाला लाजपत राय जी की इस पे ऊपर मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगा रखी है भाई। उसके बाद आ गया अपना ये प्रजात चौक, प्रजात चौक के ऊपर भी फुहारियाँ ने फूल चल रहे पूरे स्पीड के साथ। और उसके बाद अपना रानी लक्ष्मी बाई चौक, रानी लक्ष्मी बाई की घोड़े पर बैठी हुई तलवार के साथ जो उनकी मूर्ति है बड़ी, वो यहाँ लग रही है। उसके बाद भाई घर के नहीं गए थे, आम देख के मेरा भी मन कर गया घर के, तो क्या कहते मैं भाई आम कर दे, आम का रेट पूछा
तो भाई 130 रुपये किलो। हाँ भाई कोई नहीं, आम बढ़िया ले रहा है करते जानते जानते है, उसके बाद तो अलग कैटेगरी आ जाएगी आम में ही, कोई दशहरी को न्यारी। तो आम लेने के बाद फुहारा चौक से आप अपनी गाड़ी फिर से वापस पायलट सीट संभाल ली है, आम रख लिया है, सुपेंद्र सरनियों का ये दो चीज़ और भी लूँगा भाई, मल ले लो सर कोई नहीं। ये अपना डोरी मल है जिनके पास था आप ले लिया, हम बढ़िया बंदा है, राम रमी करे देखते ही। उसके बाद यहाँ से आप आम केले ले पाछे राजगढ़ रोड पे अपन अपना रूट पकड़ लिया है वापसी घर का। ये अपने HAU का जो गेट है बहुत ही शानदार भव्य गेट यहाँ बना हुआ है। उसके बाद कोर्ट कचहरी का रास्ता है सेक्टर 15 के पास था नहर वाला, बत्तियाँ पर रेड बत्ती आ गई, आठ बत्ती का बड़ा टाइम लगा है। उसके बाद फिर यह आ गया अपना आज़ाद नगर, देसी माहौल देसी रहना सहना, और घर पहुंच गया सीट बेल्ट खोल के गाड़ी न्यूट्रल करके अनलॉक करके अपा रोड साइड में देख के भाई सेफ सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, हम हो लिए है रेडी। और अपना बैग उठाया सुपेंद्र सर एक आधा सामान और लेने के चक्कर में है, आज गाड़ी फुल करके लेके जागे घरे। अपन अपना बैग लिया ले और ये रोड पर से अपने घर की तरफ मुड़ लिया भाई। यह आ गया अपना स्वीट होम, अयाना ने पापा का वेलकम कर दिया स्माइल पोज के साथ, सिग्नेचर पोज है पापा का भी ये। और अंदर खोल के देखा था भाई मिस्टर अयान आप कहाँ हो, फ्रिज का दौरा जुट रहा है कि मैं